वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि महिंद्रा का जो फर्स्ट सर्विस होता है 250 घंटे के बाद, तो उसमें क्या क्या चेंज होता है और क्या क्या सर्विसिंग होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है और हम मोटिवेटेड हो जाते हैं और वीडियो बनाए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपका सपोर्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा ये है कि अगर आप कहीं काम करने में फंस गए हो और वहाँ पे कोई ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है और कोई मैकेनिक वगैरह नहीं है, और आपको थोड़ा बहुत ट्रैक्टर के बारे में नॉलेज है और आप पर्सनल अपना सर्विसिंग अपना करना चाहते हो खुद से, तो उस लिहाजा से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो पर बने रहना। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें चेंज क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर का लेफ़्ट एंगल है और लेफ़्ट साइड में इसका डीजल फिल्टर होता है। ये भी फिल्टर है इसका, और ये भी फिल्टर है, और ये इसका बोल्ट है और इसका ये बोल्ट है। ये दोनों ओपन होता है यहाँ से, और ये निकल के अलग हो जाता है और ये निकल के अलग हो जाता है। इसमें भी फिल्टर है, इसमें भी फिल्टर है। आपको मैं एक बार क्लोजली दिखाऊँ तो ये टंकी है इसका, और यहाँ पर इसका टंकी है, और टंकी से पाइप आया हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ से फिर ये यहाँ पे कुछ इसका छन्नी आप बोल सकते हो लगा हुआ है, फिल्टर है एक तरीके से वो भी, और यहाँ से फिर फिल्टर होके यहाँ डीजल में डीजल फिल्टर में आता है। हालांकि वहाँ भी डीजल ही फिल्टर होता है, लेकिन ये अलग से इसका मेन फिल्टर है, और यहाँ फिल्टर होता है डीजल। तो अगर कुछ कचरा वगैरह फंस गया होता है तो वो आपके फिल्टर में ही रह जाता है, आपके इंजन में नहीं जाता है। तो सबसे पहले आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है यही होता है, इसको कंपलसरी आप चेंज करिएगा। और चेंज किया जाता है इसको लेफ़्ट साइड से, सिर्फ इसको चेंज किया जाता है जब आपका फर्स्ट सर्विस होता है। अब हम राइट साइड आ जाते हैं, अब बात करते हैं। ये जो होता है राइट साइड में, आपको एक बार मैं दिखा दूं, ये है ट्रैक्टर का राइट साइड, और यहाँ ये होता है मोबिल फिल्टर, आप ऑयल फिल्टर भी बोल सकते हुए। इसको भी चेंज करना कंपलसरी आता है हर 250 घंटे के बाद, जब वो डीजल फिल्टर चेंज होता है तो ये भी ऑयल फिल्टर ये बेशक चेंज होता है। उसके बाद चेंज होने की हम बात करें तो इतना कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, दो तीन चीज़ ही चेंज होता है। यहाँ ये जो आप देख सकते हैं एयर प्योरीफायर है, एयर फिल्टर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ भी इसका एयर का फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर। तो यहाँ फिल्टर लगा होता है तो उसमें भी कचरा वगैरह फंस गया होता है, तो उसको भी चेंज करते हैं। मेजरली तीन चीज़ चेंज होता है फर्स्ट सर्विसिंग जब होता है, पहला डीजल फिल्टर, और दूसरा ये जो मोबिल फिल्टर होता है ये, और तीसरा एयर फिल्टर। फर्स्ट में तीन चीज़ ही चेंज होता है, उसके अलावा मैं भी बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, या फिर क्या क्या इसका सर्विसिंग किया जाता है। चेंज क्या क्या होता है उसके बारे में तो मैं बता दिया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ जैसे यहाँ चेंज होता है मैंने बताया, तो इसके अंदर कुछ गंदा फंस गया होता है, ये एक तरीके से कटोरी तरीके से है, तो इसको खोल के इसको साफ़ किया जाता है, और फिर इसको नया फिल्टर डाल के उसको सेट किया जाता है, और इधर से बस इतना ही होता है। और जैसे बताया है तो आपको बता ही दिया हूँ ये चेंज होता है। अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड की ओर। यहाँ जो होता है जिसको मैं छन्नी बोला, सॉरी इसका नाम वैसे छन्नी है नहीं, लेकिन एग्जैक्ट नाम मेरे को नहीं पता तो मैं बोल दिया, सॉरी डोंट माइंड। मैं जिस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिएगा। यहाँ से ये ओपन होता है, यहाँ इसका एक बोल्ट है, आपको मैं क्लोजली दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वाला, ये जो खुलता है, उसके बाद यहाँ पर एक फ़िल्टर है छोटा फिल्टर, उसको खोल के इसको साफ़ किया जाता है, ठीक है। उधर बता दिया मोबिल फिल्टर, ये डीजल फिल्टर, ये तो चेंज होता है, और ये चेंज कर भी सकते हैं, और लेकिन मेरे में नहीं किया, मेरे ट्रैक्टर में अभी तक जब भी सर्विस हुआ इसको साफ़ करके ही डाले हैं, इतना होता है। और मोबिल कहाँ से ओपन किया जाता है मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये वाला होता है इसका पार्ट, देख सकते हैं यहाँ से इसको, ये जो बोल्ट होता है इसको ओपन कर दिया जाता है, और यहाँ से मोबिल गिरता है, और मोबिल गिर जाने के बाद आपको इसको भी एक बार ओपन करके दिखाऊं ताकि आपको क्लियरली आइडिया लग जाए। मैं इंजन को इसका जो बोनेट होता है उसको फाइनली ओपन कर दिया हूं, इसको भी माइंड मत करिएगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है अंदर से, कोई बात नहीं, अंदर वैसे धुलता भी नहीं है। मोबिल यहां से डलता है,
ये खुल जाता है इजीली, इसको आप ऊपर की ओर खींचोगे तो यह ओपन हो जाता है और इसका जो मोबिल होता है वो यहीं से डलता है। अगर आप गलती से ज़्यादा मोबिल भी डाल देते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ से ओवरफ्यूलिंग जो होता है इधर नीचे की ओर, यहाँ पाइप लगा हुआ है बड़ी सी पाइप, आप देख सकते हो नीचे गिर जाता है। तो यही कुछ होता है दोस्तों फर्स्ट सर्विसिंग में, कोई बहुत ज़्यादा इसमें चेंज होता नहीं है। और इसके बाद यहाँ इसका जो पंप होता है इसको चेकिंग वगैरह करते हैं ताकि इसमें प्रॉपर जो होता है इसका फ्यूल होता है डीजल है वो प्रॉपर तरीके से पास हो पा रहा होगा कि नहीं करके इसको चेक करते हैं ऐसे छू छू के। ये वाइब्रेट तरीके से करता है, अगर आप इसमें टच करके देखोगे जब इंजन स्टार्ट है और रेव कर रहे हो आप एक्सलेटर, तो आप इसको छूओगे तो पता चल जाएगा बराबर फ्यूल जा रहा है कि नहीं। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब तरीके से छू के उन लोग पता करते हैं। और यहाँ आपको दिखा दूँ तो इसका जो लीवर रहता है और इसका जो लिफ्टिंग वाला जो होता है पीछे से, अभी दिखा नहीं सकता उतना ज़्यादा, थोड़ा सा गंदा हो रखा है, तो उसको भी ऊपर नीचे करके लगभग 20 RPM में रख के लीवर को ऊपर नीचे करते हैं और इसका लिफ्टिंग को देखते हैं, जो टैपलिंग होता है पीछे जो नांगर उठाता है। आपको मैं एक बार दिखा ही दूँ, गंदा है कोई बात नहीं इग्नोर करिएगा। ये जो है इसको इसको देखते हैं कि सही तरीके से उठ पा रहा है या फिर नहीं उठ पा रहा है। तो यही सब चेकिंग होता है फर्स्ट सर्विसिंग में और यही सब चेंज होता है जो मैंने बताया। इसके ऊपर कोई मेजर चेंज नहीं होता है, कूलेंट वगैरह चेक करते हैं वो लोग, ये तो नॉर्मली है कोई भी चेक कर सकता है, और बाकी इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बस इतना ही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और फिर दोबारा बोलता हूँ क्योंकि 94% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री में होता है दोस्तों और वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, शुक्रिया।